वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं गुजराती कढ़ी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। कढ़ी बनाने के लिए मैंने 3 कप छाछ ली है बटर मिल्क, 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 2 लौंग के टुकड़े, 1 दालचीनी और 1 सूखी लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून अदरक हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट, थोड़े से करी पत्ते लिए हैं, 1/4 टीस्पून हींग, 1/4 कप गुड़ लिया है, आप 4 टेबलस्पून शुगर भी ले सकते हैं, नमक, हरा धनिया लिया है। अब हम छाछ में बेसन डाल देंगे और उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये मिक्सचर अब तैयार है। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डाल देंगे। घी गरम होने के बाद लौंग, दालचीनी और सूखी लाल मिर्च उसमें डाल देंगे, जीरा डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो रखनी है। अब उसमें अदरक हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट डाल दें। करी पत्ता, अब 1/4 टीस्पून हींग उसमें डाल देंगे, उसको मिक्स कर लें। अब उसमें ये मिक्सचर डाल देंगे। गैस की फ्लेम हाई रखनी है और इसको हमें कंटिन्यूअस ऐसे हिलाते रहना है। अब उसमें गुड़ डाल देंगे, अगर आप चाहे तो गुड़ कम भी डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे। जब तक इसमें उबाल ना आए तब तक हमें गैस की फ्लेम हाई रखनी है और इसको हिलाते रहना है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आप हरी मिर्च की जगह पे लाल मिर्च डालें तो उसके साथ थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल दें, इससे कढ़ी का कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट सेम ही रहेगा। अब आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगा है। अब गैस की फ्लेम लो कर लें और इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही कुक होने दें। तो ये अब कढ़ी तैयार है, इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम हरा धनिया डाल देंगे। ये गुजराती कढ़ी तैयार है। इसको हम राइस, खिचड़ी या फिर बाजरे की रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। Subscribe here and press the bell button for notification on new videos.